कंपनी वाले हर महीने फोन लॉन्च कर रहे हैं, कोई एक फोन लॉन्च कर रहा है, कोई दो फोन लॉन्च कर रहा है, कोई एक साथ दो दो तीन तीन फोन भी लॉन्च कर दे रहा है। हर महीने देखो तो चार चार पांच पांच फोन नए दिख जाते हैं और नए नए ऑप्शंस आ जाते हैं। कोई 10,000 के अंदर, कोई 20,000 के अंदर, कोई 15 से 18,000 रुपए के रेंज में, कोई 90 हर्ट्ज़, कोई 120 हर्ट्ज़, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतना सारा कन्फ्यूजन भी है। उसके बाद फिर से इस महीने और नए फोन आने वाले हैं। सो गाइस, मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइस टेक, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस महीने के तीन फोन्स जो लॉन्च होने वाले हैं और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं। भाई, पहला फ़ोन हमारी लिस्ट में Xiaomi का Redmi Note 10 और Note 10 Pro। अभी तो Note 9 और Note 9 Pro आया था और अच्छा खासा बिक भी गया, उसी जगह पे इस बार हमारे पास Note 10, Note 10 Pro है। सो प्रोसेसर्स यहाँ पे सुनने में आ रहे हैं Snapdragon 765G। हाँ, वो नया प्रोसेसर जो आपको Nord में मिला। अब बोलोगे Nord 2 महीना पुराना हो गया, ऑगस्ट में आया था। तो हाँ, पर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, पावरफुल प्रोसेसर, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उस प्रोसेसर में, अच्छा खासा गेमिंग भी कर लेता है। हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले अभी तक पता नहीं चला है कि आपको नोट 10 प्रो सीरीज़ में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अगर नहीं देखने मिला तो फ़ोन मत लेना। 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ कम से कम आपको देखने को मिलना चाहिए। और हाँ, आपको अप टू 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, 1080p रेजोल्यूशन मिलेगा और 4 कैमराज मिल जाएंगे, 64, 8+5+5 ऐसे कुछ कैमरास मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मैक्रो लेंस मिल जाएगी, टेलीफोटो मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड भी मिलेगा। प्रो मैक्स में आपको अप टू 5100 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। स्टोरेज ऑप्शन आपको 664 से स्टार्ट होंगे, जो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। अगर ये फोन अंडर 17,000-18,000 फिर से लॉन्च किए जाते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी डील रहेगी, बिकॉज हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस भी आपको देखने को मिल सकता है, एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर देखने मिलेगा। अंडर 20,000 भी मैं बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छी डील रहेगी है। उसके बाद आते हैं OnePlus Nord N10 और N100। ये दोनों फ़ोन यूरोप में लॉन्च कर दिए गए, पर इंडिया में आने के। ये दोनों फ़ोन भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम कम में बात करें तो 14-15 हज़ार की रेंज में आपको N100 मिल जाएगा, 20,000 के अंदर की रेंज में आपको N10 मिल जाएगा। सस्ते वाले फ़ोन में आपको Snapdragon 460 मिलेगा, महंगे वाले में आपको 690 मिलेगा। दोनों में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। सस्ते वाला जो फ़ोन है उसमें आपको HD+ रेजोल्यूशन मिलेगा, और जो 20,000 के अंदर की रेंज में आपको N10 5G मिल रहा है उसमें आपको फुल HD मिलेगा। अच्छे फ़ोन्स दिखने में आ रहे हैं, दोनों फ़ोन्स काफ़ी पावरफुल भी है। हाँ, 460 एक थोड़ा सा मीडियोकर चिपसेट है, बट उसके कारण उसका प्राइस भी थोड़ा सा कम है, 20,000 के अंदर की रेंज में Snapdragon 690 जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। ये दोनों मुझे अच्छी खासी डील्स लगी है। N100 में आपको 3 कैमराज मिलेंगे, N10 में आपको 4 कैमराज मिलेंगे। सही में ये फ़ोन्स अच्छे हैं, आप अगर अंडर 20,000 फोन्स देख रहे हो तो ये फ़ोन सही में आप कंसिडर कर सकते हो। बहुत जल्द नवंबर या अर्ली दिसंबर में भी ये लॉन्च होने के चांसेस है। उसके बाद हम आते हैं रेडमी पे, रेडमी का K30 एंड K30 प्रो। सुनने में आ रहा है ये दो फोन भी काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाले हैं। K30 में आपको 730G देखने को मिलेगा, उसी जगह से K30 प्रो में आपको 865 मिलेगा। दोनों ही फोन्स में 4 कैमराज देखने को मिल जाएंगे और अच्छा खासा ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमराज भी देखने को इन फोन्स में मिल जाएंगे। मुझे ये दोनों फोन्स काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो 730G वाला K30 है, उसकी प्राइसिंग 20,000 से 22,000 रुपये के अंदर आ रही है, और K30 Pro आपको अंडर 35,000 मिल रहा है, जो बहुत अच्छा है। Snapdragon 865 अंडर 35,000 एक बहुत अच्छा डील है। सो अगर आप वेट कर सकते हो, आपका इतना बजट है, तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों के लिए आप इजीली वेट कर सकते हो। सो गाइस, यही थे वो तीन फोन्स जो नवंबर या अर्ली दिसंबर में लॉन्च हो सकते हैं। मैं इन तीनों फोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये तीनों फोन्स काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।